हाँ जी, कैसे हैं? ठीक है। तो लास्ट क्लास में हमने रिलेशन स्टार्ट कर दिया था, है ना? और रिलेशन के बारे में, उसके डेफिनेशन के बारे में पढ़ भी लिया था। ठीक है, तो आगे कंटिन्यू करते हैं हम रिलेशन को, है ना? तो रिश्ता बना रहे हैं रिलेशन के अंदर में, ऑब्वियस है। रिलेशन, रिश्ता, अब किसका रिश्ता है? नंबर्स का रिश्ता है, सेट्स का रिश्ता है ना? मैथमेटिक्स लैंग्वेज में रिश्ता बना रहे हैं हम लोग। चलिए आगे देखते हैं कि हम लोग क्या कर रहे हैं। लास्ट क्लास में रिलेशन में हमने क्या पढ़ा था? रिलेशन का डेफिनेशन पढ़ा था, उसमें डोमेन ऑफ रिलेशन पढ़ा था, रेंज पढ़ा था, और हमने क्या कर लिया था, एक रिवर्स रिलेशन के बारे में भी पढ़ लिया था हमने ना, इनवर्स रिलेशन के बारे में भी पढ़ा था, उसमें एक प्रॉब्लम भी अच्छी करी थी। आज हम कर रहे हैं टाइप ऑफ रिलेशंस पे, टाइप ऑफ रिलेशंस पे क्वेश्चंस करेंगे और डेफिनेशंस को पढ़ेंगे। तो भाई हम स्टार्ट करते हैं टाइप ऑफ रिलेशन में, आइडेंटिटी रिलेशन से, है ना? एक एक रिलेशन को समझना है, एक एक रिश्ते को समझना है, क्योंकि हर टाइप के रिश्ते डिफरेंट डिफरेंट होते हैं ना अपने फैमिली के अंदर में, वैसे ही यहाँ पे हर टाइप का रिलेशन एक डिफरेंट है, उसके नेचर को समझना है हमको। समझ लेते हैं। द फर्स्ट इज आइडेंटिटी रिलेशन, क्या कह रहा है? लेट ए इज ए सेट। हाँ जी, सेट पे ही बात हो रही है, हमें भी पता है। देन द रिलेशन आई ए डिफाइन किया गया है, लैंग्वेज में बोला ए कॉमा ए, और ए बिलोंग्स टू ए, है ना? ऑन ए इज कॉल्ड द आइडेंटिटी रिलेशन ऑन सेट ए। वैसे ही डेफिनेशन बहुत भारी भरकम होती है ना बेटा, मैं आपको समझाती हूँ इसके अंदर क्या है। सबसे पहले तो रिलेशन बोला गया सेट ऑन सेट ए में, यानी सेट ए से ही लेना है मेरे पास में जो भी सेट ए है। सपोज मेरे पास में कोई भी सेट ए है, ए बी समथिंग सी, कुछ भी सेट है, तो जो मेरा रिलेशन है वो ऑन सेट ए है, यानी जो रिलेशन बनेगा दैट शुड बी सबसेट ऑफ ए क्रॉस ए ही होना चाहिए, ए क्रॉस ए होना चाहिए ऑन सेट ए। यानी फर्स्ट जो मेरा ऑर्डर्ड पेयर का जो मेरा फर्स्ट एलिमेंट आ रहा है वो ए से आएगा, और सेकंड जो आ रहा है वो भी ए से आएगा। ये समझ में आया? ये तो ऑन सेट ए की बात हो रही है ना, इसको समझना है सबसे पहले। तो फिर आइडेंटिटी का मतलब, आइडेंटिटी का मतलब क्या होता है ना, मैं खुद मेरी आइडेंटिटी, वही खुद का रिश्ता खुद से, किसी और से नहीं, खुद का रिश्ता खुद से। यानी ए का रिश्ता ए से ही है, किसी और से नहीं है, ओके, है ना? तो यहाँ पर हमने रिलेशन को डिफाइन किया, और आइडेंटिटी रिलेशन को क्या करते हैं, हम आई से डिफाइन करते हैं। किस में हो रहा है? सेट ए में हो रहा है। क्या रिलेशन है? खुद का रिश्ता खुद से, ये डेफिनेशन। ए कॉमा ए होगा, फॉर एवरी ए किसको बिलोंग कर रहा है? सेट ए को कर रहा है, कोई और नहीं होगा, कोई और नहीं होगा। ठीक है, मैं नंबर से समझाती हूँ आपको, इसको एग्जाम्पल से समझाती हूँ कि सपोज सेट ए मैंने अब मान लिया, मैंने 1 2 3, तो मैंने एक रिलेशन बनाया और उस रिलेशन के अंदर ऐसा बन रहा है 1,1 2,2 and 3,3, खुद का खुद से ही रिलेशन बन रहा है ना? 1,1 2,2 3,3, यहाँ पे 2,3 नहीं है, है ना? या फिर 3,1 नहीं है, कोई और दूसरे नहीं है, किसी और से मेरा रिश्ता नहीं है, मेरा खुद से ही रिश्ता है। ओनली 1,1 2,2 3,3, और सबसे इंपॉर्टेंट, जिस सारे एलिमेंट सेट ए के आने चाहिए, ऐसा नहीं कि कोई रह जाए, सारे आने चाहिए। फॉर एवरी एलिमेंट ए बिलोंग्स टू सेट ए, सारे आने चाहिए। ठीक है, तो इसको हम बोलते हैं आइडेंटिटी रिलेशन, है ना? ये मेरा आइडेंटिटी रिलेशन बन गया। अब सपोज समझो कि मैंने एक रिलेशन बनाया R, इसी में R1 बना दिया, और मैंने यहाँ पे 1,1 लिख दिया और 2,2 लिख दिया। ठीक है बेटा, मैंने ओनली ये लिख दिया 1,1 2,2। अब यहाँ पर क्या हो रहा है ना, 1 2 3, तीन एलिमेंट्स है सेट ए में, तो 1 ने तो 1 से रिश्ता बना लिया, 2 ने भी 2 से रिश्ता बना दिया, बट 3 ने 3 से रिश्ता नहीं बनाया, 3 ने 3 से रिश्ता नहीं बनाया है यहाँ पर, तो वो रह रहा है, वो बाहर रह रहा है, तो वो आइडेंटिटी रिलेशन नहीं है, वो नहीं है भाई आइडेंटिटी रिलेशन मेरा। ठीक है, वो नहीं है, ओके। यानी सारे एलिमेंट जो सेट ए में हैं वो सब अपने से खुद से रिश्ता बनाना चाहिए, यानी यहाँ पे 1,1 2,2 3,3 होना चाहिए, तो ये आइडेंटिटी रिलेशन नहीं है, ओके। चलो और देखते हैं हम एक एग्जांपल इसमें, किस मैंने एक नेक्स्ट पेज पे ले लेते हैं हम लोग, कि अपने पास में सेट ए था 1 2 3, है ना? अब मैंने एक रिलेशन और बना दिया R3 यहाँ पे,
और मैंने कहा कि भाई आप कह रहे हो सबका होना चाहिए 1-1, 2-2, 3-3, लो भी सब बना दिए, बट मेरी इच्छा हुई कि नहीं भाई 1/2 से रिश्ता बना रहा है ना, 1/2 से रिश्ता बना रहा है, 1 का भी कार्टेशियन ऑर्डर पेयर में 2 से कोई मेरा ऑर्डर पेयर बन गया है, राइट, 1,2 भी आ रहा है, तो ये भी आइडेंटिटी रिलेशन नहीं है। मैं बोल रही हूँ खुद का रिश्ता खुद से होना चाहिए, सारे एलिमेंट सेट ए के होने चाहिए, वो भी आ गए, बट एक दूसरा भी आ गया है, तो देयरफॉर दिस इज नॉट अ आइडेंटिटी रिलेशन, ये नहीं है, है ना। ओनली आइडेंटिटी रिलेशन क्या बना मेरे पास में यहाँ पे 1-1, 2-2 and 3-3, ओके, क्लियर, क्लियर है ये चीज कि आइडेंटिटी रिलेशन में खुद का रिश्ता खुद से होना चाहिए और सारे एलिमेंट्स का होना चाहिए, ये बिल्कुल क्लियर हो जाना चाहिए हमें सारी कहानी, ओके। अब भाई मैम ये जो ये वाला आपने जो एग्जांपल दिया इसमें सारे तो आ गए थे बट कोई दूसरा भी आ गया, तो ऐसे रिलेशन को क्या कहते हैं, उसको भी बोलते हैं बेटा, देखो ऐसे रिलेशन को हम क्या बोलेंगे वो देखते हैं हम लोग, उस रिलेशन को बोलेंगे हम लोग रिफ्लेक्सिव रिलेशन, रिफ्लेक्सिव रिलेशन, रिफ्लेक्सिव रिलेशन क्या कह रहा है, डेफिनेशन से समझते हैं हम लोग कि भाई अ रिलेशन आर है सेट ए में और रिफ्लेक्सिव है इफ एवरी एलिमेंट ऑफ ए इज रिलेटेड टू इट्सेल्फ, ठीक है भाई मैम डेफिनेशन तो वही है कि हर कोई अपने आप से होना चाहिए, बट आइडेंटिटी में खुद खुद से ही होने चाहिए थे, बट रिफ्लेक्शन में कोई दूसरे भी आ सकते हैं, मतलब रिफ्लेक्सिव में खुद खुद से होने तो जरूरी हैं, खुद खुद से होने तो जरूरी हैं, बट दूसरे आ भी सकते हैं और नहीं भी आ सकते हैं, दूसरे आ भी सकते हैं और नहीं भी आ सकते हैं, है ना। देखो एग्जाम्पल से समझते हैं हम लोग सारी चीज़ें, है ना, हम लोग एग्जाम्पल से समझेंगे तभी ज़्यादा क्लियर होता है हमें। सेट ए वही लिया हमने 1-2-3, ठीक है, हमने रिलेशन आर बनाया, पहले हमने बोल दिया खुद खुद से रिश्ता है उसके अंदर सबके एलिमेंट्स, सारे एलिमेंट्स का, ठीक है। अब मैंने यहाँ पे एक 1,2 भी ले लिया, ठीक है, सबसे पहले तो देखा कि क्या सारे एलिमेंट्स खुद से हैं, वो जरूरी कंडीशन है कि सारे एलिमेंट्स खुद से रिलेटेड होने चाहिए, वो सबसे फर्स्ट कंडीशन है, वो जरूरी है, तो भाई सारे एलिमेंट्स खुद से रिलेटेड हैं, ठीक है। अब दूसरे 1,2 आ भी सकता है और नहीं भी आ सकता, वो उसकी मर्जी है, बट रिफ्लेक्सिव के लिए ये डेफिनेशन मेरी फुलफिल हो रही है ना। रिफ्लेक्सिव के लिए भी फर्स्ट कंडीशन होनी चाहिए कि खुद खुद से होना चाहिए, दूसरे आ भी सकते हैं और नहीं भी आ सकते, आइडेंटिटी में तो दूसरे आ ही नहीं सकते, आइडेंटिटी में तो दूसरे आ ही नहीं सकते, बट रिफ्लेक्सिव में दूसरे आ भी सकते हैं और नहीं भी आ सकते हैं, ठीक है। तो दिस इज अ रिफ्लेक्सिव रिलेशन, ये है। एक और बनाया बेटा मैंने, इसको सपोज R1 बोल दिया, नेक्स्ट मैंने R2 बोला 1-1, 2-2, है ना, और 1-2 लिखा मैंने, ठीक है भाई ये बनाया मैंने। अब बताओ ये 1-1 है, ये 2-2 है, ये 1-2 है, क्या ये रिफ्लेक्सिव है? तो सबसे पहले हम क्या चेक करेंगे कि भाई खुद खुद से है सारे एलिमेंट्स, तो 1-1 है, 2-2 है, बट 3-3 नहीं है, दूसरा तो आ गया कोई बात नहीं, दूसरे की कंडीशन पे कोई दिक्कत नहीं है, पर 3-3 तो नहीं आ रहा ना बेटा, यहाँ पे सब आने चाहिए, यानी आइडेंटिटी वाली रिलेशन तो कंडीशंस तो फुलफिल होनी ही चाहिए, 3-3 नहीं आ रहा, तो ये रिफ्लेक्सिव रिलेशन नहीं है, ओके। चलिए एक एग्जांपल और बनाया हमने, R3 बनाया 1-1, 2-2, 3-3, ये लिखा मैंने, ओके, है ना, 1-1, 2-2, 3-3, ठीक है। तो क्या ये हमारे पास में रिफ्लेक्सिव है, बताइए, हाँ यस इट इज रिफ्लेक्सिव रिलेशन, ये रिफ्लेक्सिव है हमारे लिए, क्यों है, क्यों है, क्योंकि कंडीशन क्या मेन कंडीशन है कि खुद का खुद से होना चाहिए, खुद का तो खुद से है, दूसरा आए या नहीं आए, है ना, तो दिस इज रिफ्लेक्सिव, ये रिफ्लेक्सिव है। तो हम यहाँ से क्या कह सकते हैं कि एवरी आइडेंटिटी रिलेशन इज ए रिफ्लेक्सिव, यानी मैं यहां से एक चीज कह सकती हूं बेटा, एवरी आइडेंटिटी रिलेशन इज रिफ्लेक्सिव, है ना, हर आइडेंटिटी रिलेशन तो रिफ्लेक्सिव होगा ही, बट
वाइस वर्सा इज नॉट ऑलवेज ट्रू. वाइस वर्सा का मतलब हर रिफ्लेक्सिव जरूरी नहीं है आइडेंटिटी हो. हर आइडेंटिटी तो रिफ्लेक्सिव होगा बट हर रिफ्लेक्सिव जरूरी नहीं है आइडेंटिटी हो. जैसे मैंने ये रिफ्लेक्सिव बनाया R1 बनाया ना, ये रिफ्लेक्सिव रिलेशन है बट ये आइडेंटिटी नहीं है. बट एवरी आइडेंटिटी रिफ्लेक्सिव होगा. ओके ये बिल्कुल क्लियर हो जाना चाहिए. तो रिफ्लेक्सिव और आइडेंटिटी में यही फर्क है कि रिफ्लेक्सिव में क्या है, खुद का खुद से तो होगा बट दूसरे वाले जो हैं वो आ भी सकते हैं और नहीं भी आ सकते. बट आइडेंटिटी में कंस्ट्रेंट है कि खुद खुद से ही होगा, दूसरे की कोई जगह नहीं है. ओके चलिए ये तो था रिफ्लेक्सिव रिलेशन की हमारी कहानी. इसमें क्वेश्चन भी कर लेते हैं हम लोग. क्या कह रहा है क्वेश्चन, हमें बोल रहा है कि प्रूव दैट अ रिलेशन आर ऑन एन डिफाइंड बाय एक्स कॉमा वाई बिलोंग्स टू आर, एक्स इज ग्रेटर देन वाई एंड इक्वल्स टू. रिलेशन ये है, इज रिफ्लेक्सिव. क्या कह रहा है क्वेश्चन समझिए कि हमारे पास में एक नेचुरल नंबर में रिलेशन डिफाइन है. रिलेशन किस में डिफाइन है, नेचुरल नंबर टू नेचुरल नंबर में. ओके इसमें डिफाइन है. और मुझे कंडीशन क्या बोली इस रिलेशन में, कंडीशन बोली कि एक्स कॉमा वाई लेना है और कंडीशन बोल रहा है कि एक्स जो है वो ग्रेटर देन इक्वल्स टू वाई होगा. ठीक है, द मेन चीज इज वहाँ पे इक्वल्स टू भी दे रखा है कि यहाँ पर आपको ना इक्वल्स टू का साइन भी दे रखा है, इक्वल्स टू. ओके ग्रेटर देन इक्वल्स टू वाई बोल रहा है, इक्वल्स टू का साइन भी है. तो ये कह रहा है कि ये रिफ्लेक्सिव रिलेशन है क्या, ऑफकोर्स है रिलेशन, क्योंकि एवरी एक्स से रिलेटेड होगा, इक्वल्स टू है यहाँ पे, है ना. हर एक्स दूसरे एक्स से होगा और दूसरे भी हो सकते हैं जहाँ एक्स ग्रेटर देन वाई है. जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं बना देती हूँ, नेचुरल नंबर में है ये रिलेशन कैसा बनेगा, कैसा दिखेगा वो देख लेते हैं हम लोग. इसमें हर एक्स यानी हर नेचुरल नंबर खुद से रिलेटेड होगा क्योंकि इक्वल्स टू है. ऐसे ऐसे चलता जाएगा मेरे पास में, सारे आ जाएंगे नेचुरल नंबर 1, 2, 2, 3, 3, 3 ऐसे. और एक्स ग्रेटर देन वाई वाले भी आएंगे, यानी ऐसे चलते गए वो तो बहुत सारे चलते गए जितने भी नेचुरल नंबर हैं, है ना. और उसके बाद एक्स ग्रेटर देन वाई वाले भी आएंगे, यानी कि 3, 1 वाला भी आएगा, 2, 1 वाला भी आएगा, तो 5, 2 वाला भी आएगा, ऐसे चलते जाएंगे, है ना. ठीक है, एक्स वाई से बड़ा है और एक्स खुद से भी रिलेटेड है क्योंकि इक्वल्स टू है यहाँ पे. ठीक है, तो ये रिफ्लेक्सिव रिलेशन है, रिफ्लेक्सिव है. ओके अगर यहाँ पे बेटा ओनली एक्स ग्रेटर देन वाई होता, अगर मेरे पास क्वेश्चन के अंदर में ये यहाँ पर ओनली होता एक्स ग्रेटर देन वाई, ओनली ये होता मेरे पास में क्वेश्चन के अंदर में, ठीक है, तो इस केस में ये रिफ्लेक्सिव नहीं होता. क्यों नहीं होता, क्योंकि ओनली ये वाले केसेस आ रहे थे, 3, 1 से बड़ा, 2, 1 से बड़ा, 5, 2 से बड़ा, खुद खुद से वाले रिलेशन एलिमेंट्स नहीं आ रहे थे, खुद खुद से जो रिश्ता बना रहे थे वो वाले नहीं आ रहे थे, तो उस केस में वो रिफ्लेक्सिव नहीं होता. ओके रिफ्लेक्सिव क्यों हुआ, क्योंकि यहाँ पे इक्वल्स टू था ये. ओके तो दिस इज अ रिफ्लेक्सिव रिलेशन, है ना. नेक्स्ट हम करेंगे बेटा सिमेट्रिक रिलेशन की बात करते हैं, सिमेट्रिक रिलेशन की कहानी करते हैं. क्या कह रहा है सिमेट्रिक रिलेशन के अंदर में कि भाई रिलेशन आर ऑन अ सेट ए, ठीक है भाई ऑन अ सेट ए की तो कहानी हमें समझ में आ गई है. सिमेट्रिक कब होगा कि अगर ए बी आर में है तो बी ए को भी आर में होना पड़ेगा. अगर ए बी रिलेशन में है, ए बी रिश्ता में है, तो बी ए को भी रिश्ता में होना पड़ेगा. कैसे अभी बताते हैं. हाँ जी हम बोल रहे हैं कि ए बी अगर उस रिश्ता में है तो बी ए को तो उस रिश्ता में आना ही पड़ेगा. कैसे भाई इसको भी देखते हैं हम लोग. मैं आपको पहले एग्जांपल से ही बताऊंगी कि सपोज अपन ने बोला है सेट ए 1, 2, 3 ले लिया मैंने, एक मिनट. एग्जाम्पल अच्छा सा बनाना चाहिए. 1, 2, 3 ले लिया, ठीक है. तो एक रिलेशन आर के अकॉर्डिंग, कोई रिलेशन आर था उसमें मेरे पास 1, 1 आ रहा था, 1, 2 आ रहा था और 2, 1 भी आ रहा था, ऐसा आ रहा था, है ना.
तो हर एलिमेंट का रिवर्स भी होना चाहिए, हर एलिमेंट का। कैसे भाई? वन वन है तो वन वन का रिवर्स, हर एलिमेंट का चेक करेंगे हम लोग, वन वन का रिवर्स तो वन वन ही बनेगा, उसको तो एक ही बार लिखेंगे हम लोग, ठीक है, वो तो है इसमें। वन टू, वन टू का रिवर्स कौन होगा? टू कॉमा वन होगा। ए कॉमा बी का रिवर्स कौन होगा? बी कॉमा ए होगा। तो वन कॉमा टू का रिवर्स टू कॉमा वन है यहाँ पे, है ना। हर एलिमेंट का तुम टू कॉमा वन को उठाओ तो टू कॉमा वन का वन कॉमा टू है यहाँ पे। हर एलिमेंट का रिवर्स है, उल्टा है हर एलिमेंट का, है ए कॉमा बी का, बी कॉमा ए, हर एलिमेंट का, हर एलिमेंट का उल्टा होना पड़ेगा, है ना। ये बोल रहा है कि अगर ए बी रिलेशन में है तो बी ए भी होना पड़ेगा, ऑल ए बी बिलोंग्स टू ए, हर एलिमेंट के लिए, ठीक है। तो ये मेरे पास में सिमेट्रिक रिलेशन है। अब और बनाते हैं हम एग्जांपल कि सपोज आर वन ले लेते हैं अब हम लोग, कि भाई हमने वन वन बनाया, टू टू भी बनाया, हमने वन टू भी बनाया, है ना, हमने एक टू थ्री भी बनाया और एक हमने टू वन भी बना दिया, ठीक है, हमने ये बना दिया। चलिए देखिए, वन वन, वन वन का उल्टा वन वन, वो एक ही बार लिखेंगे। टू टू, टू टू का उल्टा टू टू, एक ही बार लिखेंगे। वन कॉमा टू का रिवर्स टू कॉमा वन, वो आ गया टू कॉमा वन, है ना, टू कॉमा वन का वन कॉमा टू। बट टू कॉमा थ्री तो अकेला है, उसका फ्रेंड नहीं है, उसका कंपेनियन नहीं है, यानी उसका कंपेनियन कौन है? थ्री कॉमा टू, वो यहाँ पे नहीं है मेरे पास में, नहीं है, टू कॉमा थ्री का कंपेनियन नहीं है यहाँ पे, तो ये मेरे पास में सिमेट्रिक रिलेशन नहीं है। सिमेट्रिक रिलेशन का मतलब ए कॉमा बी है तो उसका कंपेनियन बी कॉमा ए को उस रिश्ते में होना पड़ेगा, उस रिलेशन में होना पड़ेगा वहाँ पे, तो ये मेरे पास में नहीं बनेगा सिमेट्रिक, क्योंकि टू कॉमा थ्री अकेला हो गया, इसके कारण से गड़बड़ घोटाला हो गया है यहाँ पे, टू कॉमा थ्री के कारण से वो अकेला रह गया है, ओके, है ना। यहाँ पे कंपेनियंस का काम है मेरे पास में, कि भाई तुम अकेले नहीं रह सकते, तुम्हारा कंपेनियन होना चाहिए, ठीक है। चलिए और एग्जांपल बनाते हैं हम लोग, इसी रिलेशन में बना रहे हैं हम लोग, आर थ्री में ही, वन वन, टू टू, थ्री थ्री, ठीक है, ये बनाया मैंने, क्या ये सिमेट्रिक है बताइए, क्या ये सिमेट्रिक है? यस, इट इज सिमेट्रिक। वाई? वन वन, वन वन का कंपेनियन वन वन खुद, तो उसको लिखेंगे एक ही बार में, दो बार नहीं लिखते हम सेम चीज़ को, दो बार नहीं लिखते हैं यहाँ पे सेट में, दो बार नहीं लिखते हम लोग। टू कॉमा टू का कंपेनियन टू कॉमा टू, उसको भी एक ही बार लिखा। थ्री कॉमा थ्री का कंपेनियन थ्री कॉमा थ्री, उसको भी एक ही बार लिखा, है ना। सबके कंपेनियन है वो, चाहे उसी में ही है ना, उनको लिखेंगे एक ही बार ही। तो ये मेरे पास में सिमेट्रिक रिलेशन है, है ना। मतलब ये कि हर एलिमेंट का कंपेनियन होना चाहिए, हर ए कॉमा बी का बी कॉमा ए होना चाहिए, कोई अकेला छूटना नहीं चाहिए हमारे पास में, ओके, है ना। तो सिमेट्रिक का मतलब क्या हुआ? कि ए कॉमा बी है तो बी कॉमा ए को होना ही पड़ेगा, ओके, है ना, तभी वो सिमेट्रिक होगा। अगर एक भी अकेला छूट गया तो वो सिमेट्रिक नहीं है, है ना। चलिए इस पे भी हम क्वेश्चन करेंगे, सिमेट्रिक पे भी, हर किसी पे क्वेश्चंस तो करने ही है, तभी समझ में आएगा हमको। क्या बोल रहा है? प्रूव दैट आई बी द सेट ऑफ ऑल लाइंस, आई नहीं है बेटा वो एल है, दैट इज एल कर देते हैं हम लोग, एल बी द सेट ऑफ ऑल लाइंस इन अ प्लेन, ठीक है। लेट आर बी अ रिलेशन डिफाइंड ऑन एल, एल में क्या डिफाइन है, यानी एल क्या है, सारी जितनी भी लाइंस है ना प्लेन्स में उनका सेट है। अब रिलेशन एल क्या डिफाइन है, कि एक्स कॉमा वाई है, रिलेशन बोल रहा है एक्स इज परपेंडिकुलर टू वाई, यानी रिश्ता क्या बना रहा है दो लाइंस में, दो लाइंस में, यानी कोई भी दो लाइंस उठाए ना, रिश्ता बना रहा है कि एक्स जो है वो वाई के परपेंडिकुलर है, ठीक है। तो बोल रहा है कि हमें बताना है कि आर कैसा है रिलेशन, सिमेट्रिक रिलेशन है, ठीक है भाई, हम प्रूव करते हैं। सपोज है ना, हमने बोला कि भाई L1, L2 दो लाइंस हैं, वो सेट L में है, सेट L में है, है ना। तो हमने बोला कि L1, L2 सेट L को बिलोंग कर रहा है, क्यों बिलोंग कर रहा है, क्यों बिलोंग कर रहा है, रिश्ते को बिलोंग कर रहा है, हम सेट L को नहीं बोलते,
उस रिश्ते को बिलोंग कर रहा है। क्यों? क्योंकि यहाँ से हमारे पास में आ रहा है कि L1 is perpendicular to L2, यानी L1 L2 के perpendicular है। मैं आपको डायग्राम बना करके भी बता देती हूँ, ये लाइन L1 है और इस पे मैंने एक perpendicular लाइन ले ली है एंड दिस इज L2 है, राइट है ना, L1 L2 के perpendicular है। तो क्या मैं इससे ये बोल सकती हूँ कि L2 L1 भी R में होगा? होगा, कह सकती हूँ। क्यों? क्योंकि मेरे पास में यहाँ से मैं ये बोल सकती हूँ कि L2 भी L1 के perpendicular होगा। अगर L1 L2 के perpendicular है तो L2 भी L1 के perpendicular होगी, होगी ना। L1 L2 के perpendicular तो L2 L1 के perpendicular, दोनों के बीच में एंगल तो 90 डिग्री रहेगा। तो हम ये बोल सकते हैं कि L1 L2 अगर सेट L में है तो इसका मतलब L2 L1 भी R में होगा, उस रिश्ते में होगा, है ना, उस रिलेशन पे बिलोंग करेगा। तो कोई भी दो परपेंडिकुलर लाइंस ले रहे हैं हम उस सेट में, तो वो ऑलवेज उनका कंपेनियन यानी उनका रिवर्स उस सेट में होगा, होगा ना। तो इसका मतलब ये रिलेशन कैसा रिलेशन है मेरे पास में? सिमेट्रिक रिलेशन। ओके, है ना। ऐसे पैरेलल लाइन का भी सोच सकते हैं कि हमारे पास में सेट एल है, लाइंस का सेट है, एक लाइन दूसरे के पैरेलल है। तो ऑब्वियस है L1 अगर L2 के पैरेलल है तो मैं ये कह सकती हूँ कि L2 भी L1 के पैरेलल होगी। कोई भी दो लाइंस उठाई तो उसमें से अगर मैंने कहा कि एक लाइन दूसरे के पैरेलल है तो ऑब्वियस है दूसरे भी एक की पैरेलल होगी। तो कैसा रिलेशन है? सिमेट्रिक रिलेशन है, राइट, क्लियर है ना, बिल्कुल अच्छी तरीके से। चलो, मैंने एक रिलेशन बोला, तुम ये बताओ कि वो सिमेट्रिक है या नहीं है। मैं एक जनरल लैंग्वेज की बात करती हूँ, जनरल लैंग्वेज की बात कर। मैंने बोला कि मेरे पास फैमिली मेम्बर्स हैं, फैमिली मेम्बर्स हैं मेरे पास में, ओके, फैमिली मेम्बर्स का सेट है। मैंने बोला यहाँ पर कि भाई X इज ब्रदर ऑफ Y, X इज ब्रदर ऑफ Y, है ना, X Y का ब्रदर है, ये रिलेशन है, ये रिश्ता है मेरे पास में फैमिली में, X Y का ब्रदर है। क्या ये सिमेट्रिक रिलेशन होगा हमेशा? बताइए, मेंटल एबिलिटी का क्वेश्चन है, बिल्कुल सिंपल, होगा भाई, इट कैन बी और इट कैन नॉट बी, 100% नहीं कह सकते, है ना। एक्स वाई का ब्रदर है तो वाई के बारे में ये नहीं कहा गया कि वो मेल है या फीमेल है, ऐसा नहीं बोला गया है, है ना। पिंटू जो है ब्रदर है चिंटू का, तब तो मैं कह सकती हूँ चिंटू पिंटू का ब्रदर हुआ। बट यहाँ पे मैं ये कह सकती हूँ कि पिंटू जो है वो टीना का ब्रदर है, तो टीना तो ब्रदर नहीं हुई ना पिंटू की, है ना। तो वाई के बारे में मुझे पता नहीं है कि वो मेल है या फीमेल है। अगर ये 100% पता होता कि वाई मेरा मेल है तो मैं कह सकती थी कि इट इज़ ए सिमेट्रिक रिलेशन। बट अगर नहीं पता, बस ओनली फैमिली मेम्बर बोला, जेंडर मुझे डिफाइन नहीं किया गया है, तो मैं नहीं कह सकती कि वो सिमेट्रिक रिलेशन है या नहीं है। तो हम इसको नहीं कह सकते, कांट से लिख देंगे वहां पे, कांट से, है ना, 100% श्योर नहीं। इट कैन बी, नॉट ऑलवेज, नॉट ऑलवेज, है ना। इस स्टेटमेंट को हम कमेंट नहीं कर सकते इस स्टेटमेंट पे, ओके। अब इसी में बेटा एक नेक्स्ट आता है हमारा ट्रांजिटिव रिलेशन, है ना। ट्रांजिटिव रिलेशन भी देख लेते हैं हम लोग, क्या कह रहा है इसको समझते हैं। ट्रांजिटिव रिलेशन बोल रहा है, लेट ए बी एनी सेट, ठीक है, ए सेट है, रिलेशन ऑन ए इज सेट टू बी ट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव कब कह रहा है कि भाई देखो, मैं इसको समझते हैं कि अगर ए बी आर में बिलोंग कर रहा है एंड एंड बी सी भी आर में होना चाहिए, ए बी आर में है और बी सी भी आर में है, तो उसे इम्प्लाइज होना चाहिए, उसे इम्प्लाइज होना चाहिए, कंडीशन निकलनी चाहिए कि ए सी भी अगर आर में हो गया, एवरी पेयर का अगर ए बी आर में है, बी सी भी आर में है, उससे मैंने ये इम्प्लाइज कर दिया कि ए सी भी आर में है, तो वो रिलेशन कैसा होगा मेरा? उस केस में उस रिलेशन को बोलते हैं ट्रांजिटिव, यानी वो ट्रांजिटिव हो गया है, ट्रांजिटिव, है ना, ठीक है। अगर ए बी आर में है, बी सी भी आर में है, तो ए सी को भी आर में होना होगा,
तभी वो ट्रांजिटिव बनेगा, अदरवाइज वो ट्रांजिटिव नहीं बनेगा, है ना। सिंपल एग्जांपल देखते हैं हम लोग इसका, पहले हम लाइंस वाले एग्जांपल से समझते हैं कि हमने बोला एल इज ए सेट ऑफ ऑल लाइंस है, और हमने उसमें बोला रिश्ता जो बोला आर, हमने बोला एल वन इज पैरेलल टू एल टू, है ना। पैरेलल लाइंस का रिश्ते की बात कर लेते हैं कि एल वन एल टू के पैरेलल है, ओके। तो यानी कि यहाँ पे मुझे ये पता है कि जो एल वन एल टू है वो आर में है, एंड अगर मैं दूसरी दो लाइंस लेती हूँ वो भी पैरेलल हैं, एल टू एल थ्री भी आर में है, तो क्या मैं उससे ये बोल सकती हूँ कि L1 और L3 भी R में होंगे? L1 L2 के पैरेलल है, L2 L3 के पैरेलल है, तो इससे हम बोल सकते हैं L1 और L3 भी दोनों पैरेलल होंगे, 100% पैरेलल होंगे। डायग्राम से भी देख सकते हैं हम लोग, दिस इज L1, पैरेलल लाइन बना ली मैंने, दिस इज L2, और L2 को मैंने L3 के पैरेलल बना ली, मैंने ये बोल दिया L3, है ना। L1 और L2 में रिश्ता है, L2 और L3 में रिश्ता है, तो मैं बोल सकती हूँ L3 और L1 भी पैरेलल होंगे, हम ये बोल सकते हैं कि भाई ये दोनों भी पैरेलल होंगे, राइट, है ना। कह सकते हैं, 100% कह सकते हैं कि पैरेलल होंगे, तो इसका मतलब L1 और L3 भी हमारा R में बिलोंग करेगा, तो इसका मतलब ये रिलेशन कैसा हो गया मेरा, ट्रांजिटिव, ओके, है ना। बट इसी में मैंने एक कहा एग्जांपल, मैंने कहा एल, हमने बोला सेट ऑफ ऑल लाइंस है, और रिश्ता है मेरे पास में कि एल वन इज परपेंडिकुलर टू एल टू, है ना। एल वन जो है वो एल टू के परपेंडिकुलर है, तो इसके बारे में बात की गई कि क्या ये ट्रांजिटिव है, है ना। पहले हम डायग्राम से समझते हैं फिर हम लिख देंगे, उसका एक्सप्लेन भी कर देंगे। तीन लाइंस पे बात होगी अब यहाँ पे, हमने बोला कि ये L1 लाइन है और इसके परपेंडिकुलर बोल दिया L2 लाइन, ठीक है। तो हमने पहला बोला यहाँ से कि भाई L1 L2 बिलोंग कर रहा है R में, है ना, एंड एंड दूसरा हमने ले लिया कि भाई L2 L3 ये भी बिलोंग कर रहा है R में, इसका मतलब L2 इज परपेंडिकुलर टू L3, है ना। इसका मतलब ये हुआ कि L2 L3 भी उस रिश्ते को बिलोंग कर रहा है, उस रिश्ते का मतलब वो उसके परपेंडिकुलर है, है ना। तो हमने बोला कि भाई L2 L3 के परपेंडिकुलर है, तो वो L3 ऐसे बन गए, ठीक है। तो क्या यहाँ से मैं बोल सकती हूँ कि L1 L3 के परपेंडिकुलर होगा? नहीं बोल सकते ना हम लोग यहाँ पे, क्योंकि रिश्ता तो हमारा परपेंडिकुलर का है हमारे पास में। हम यहाँ से ये नहीं बोल सकते यहाँ पर कि L1 इज परपेंडिकुलर टू L3, ये मेरा रॉन्ग हो गया, जबकि L1 किसके आ गया, पैरेलल टू L3, L1 और L3 तो पैरेलल हो गए, है ना। इसका मतलब L1 L3 उस रिश्ते में बिलोंग नहीं कर रहा है, उस रिश्ते में L1 L3 नहीं है। L1 L2 तो था, L2 L3 भी था, बट L1 L3 नहीं था। A कॉमा B था, B कॉमा C था, बट A कॉमा C नहीं है, ओके। तो ये इसका मतलब मेरे पास में ट्रांजिटिव रिलेशन नहीं है, दिस इज नॉट ट्रांजिटिव, ओके, क्लियर, है ना। तो आपको ऐसे देखना पड़ेगा। और एग्जाम्पल्स लेते हैं हम लोग, नंबर्स में बना लेते हैं अब हम एक एग्जाम्पल को, कि सपोज सेट ए है वन वन, सॉरी सेट ए बनाना है मुझे वन टू थ्री, है ना। अब मैंने एक रिलेशन बनाया आर, वन 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 टू वन थ्री, ठीक है, टू थ्री, ओके, है ना, टू थ्री बना देते हैं हम लोग। चलिए हमने ये रिश्ता बना लिया, है ना। अब इस पर देखते हैं, हर एलिमेंट की बात करेंगे, हर एलिमेंट पे ध्यान से समझना इस चीज को।
सबसे पहले मैंने 1-1 लिया, 1-1, ये मेरा ए बी बना, फिर मैंने इसको बी सी बोला, बी सी बोला, ए बी बी सी, तो इससे मेरा ए सी क्या बना, इससे मेरा ए सी ये बना 1-2, है ना, 1-2, तो वो ऑलरेडी है, यानी ए बी था, बी सी था, है ना, ए बी था, बी सी था, उससे ए सी मेरा 1-2 ऑलरेडी है, इस सेट में है, इस सेट में है, एक तो ये कंडीशन गई। अब मैंने 1-1 और 1-3 के लिए चेक करा, इसके लिए भी चेक करा मैंने, ये मेरा ए बना, ये मेरा बी बना, ये बी बना, ये सी बना, तो बी और बी सेम, ए और सी, ए और सी, फिर मेरा 1.3 बन रहा है, तो 1.3 ऑलरेडी है क्योंकि वो एक ही बार लिखा जाएगा, यहाँ तक हुआ मेरा, ठीक है। अब मैंने बोला, एक एग्जांपल और लिया, यहाँ पे सबको सबको चेक करना है, 1.2 था और 2.3 था मेरे पास में, ये ए बी बना और ये बी सी बना, ठीक है, बी और बी सेम है, ए और सी, है ना, बी दोनों के सेम होने चाहिए, वही हमें ऑर्डर्ड पेयर लेने हैं जिनके दोनों बी सेम आ रहे हैं मेरे पास, ए बी बी सी, है ना, वही लेने हैं, तो यहाँ से ए सी बन रहा है, तो ए सी क्या बन रहा है बेटा, 1.3 बन रहा है, तो 1.3 है, यानी 1.2 लिया, 2.3 लिया, तो उससे 1.3 वो है मेरे पास में, ठीक है, ऑलरेडी है, यानी हर ए बी बी सी ले रहे हैं, जो भी ए बी और बी सी के पेयर बन रहे हैं, जो भी जहाँ पे बी कॉमन है, जो भी पेयर बन रहे हैं, उनसे ए कॉमा सी बनेगा, ए कॉमा सी, वो ए कॉमा सी इसमें होना चाहिए, वो ऑलरेडी है मेरे पास में, तो इट इज़ अ ट्रांजिटिव रिलेशन, है ना, हर किसी को चेक करना है। बाई चांस अगर मेरे पास में यहाँ पर 1.3 नहीं होता, 1.3 नहीं होता, तो वो ट्रांजिटिव रिलेशन नहीं बनता, क्योंकि 1.2.3 तो था, बट फिर 1.3 नहीं आता, उससे ए कॉमा सी नहीं आता, तो वो ट्रांजिटिव रिलेशन नहीं बनता, ओके, है ना, तो ये देखना है हमें। चलिए एक अच्छा और एग्जांपल लेंगे हम लोग, अभी देखिए आप इसको पढ़िए, करते हैं हम लोग, क्या बोल रहा है क्वेश्चन, प्रूव दैट द रिलेशन आर ऑन द सेट एन ऑफ ऑल नेचुरल नंबर, या नेचुरल नंबर में बनाना है रिश्ता, क्या कह रहा है, एक्स डिवाइड्स वाई, यानी एक्स वाई को डिवाइड कर रहा है, सारे एक्स वाई एन में बिलोंग कर रहे हैं, इस ट्रांजिटिव, यानी एक्स वाई को डिवाइड करेगा तो वो रिश्ता मेरा ट्रांजिटिव होना चाहिए, ये प्रूव करना है मुझे, मैं पूरा बताती हूँ आपको करके कि हम लोग कैसे लिखना है ना इसको, और शो कैसे करेंगे हम लोग। हमने बोला कि लेट एक्स वाई जेड बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर में है, है ना, और फर्स्ट हमें पता है कि एक्स कॉमा वाई बिलोंग्स टू आर है, इसका मतलब बोल रहा है x डिवाइड्स y, तो x अगर y को डिवाइड कर रहा है, सॉरी x डिवाइड्स y है हमारे पास में, यानी y अपॉन x मेरे पास में कोई k आ रहा है, है ना, डिवाइड कर रहा है यानी नेचुरल नंबर आएगा k, ठीक है, तो यहाँ से मेरे पास में y इक्वल्स टू आ गया के एक्स, के कैसा है, नेचुरल नंबर, मतलब वो कह रहा है x डिवाइड्स y, यानी y को कम्प्लीटली डिवाइड कर रहा है, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया कि y अपॉन x मेरा k आ रहा है, तो वाई आ गया यहाँ से के एक्स और के नेचुरल नंबर, क्योंकि कंप्लीटली डिवाइड कर रहा है, मैंने इसको इक्वेशन नंबर 1 बोल दिया। अब जब एक्स कॉमा वाई है तो एक और लेना पड़ेगा मुझे पेयर, वाई कॉमा जेड लेना पड़ेगा, उसको ले लेते हैं हम लोग, है ना, हमने बोला कि भाई वाई कॉमा जेड भी आर, यहाँ नेचुरल नंबर में लो, अच्छा रिश्ते में लेना है ना हमें, रिश्ते में है वाई कॉमा जेड भी, किस में है, रिश्ते में है हमारे पास में, ठीक है, तो अब क्या हुआ, y कॉमा जेड का मतलब क्या हुआ, y डिवाइड्स z, है ना, लैंग्वेज में y डिवाइड्स z, यानी y z को डिवाइड कर रहा है, यानी z अपॉन y, अब कोई दूसरा नेचुरल नंबर ले लेते हैं हम, सपोज m है ना, m नेचुरल नंबर है मेरे पास में, ठीक है बेटा, तो यहाँ से मेरे पास में बना z इक्वल्स टू एम वाई, सेकेंड इक्वेशन बन गई, राइट। अब क्या करना है ना कि फर्स्ट और टू है, अब मुझे रिश्ता किस में बनाना है ट्रांजिटिव के लिए, एक्स और जेड में बनाना है, वाई को एलिमिनेट करना है, वाई को एलिमिनेट करना है ना मुझे यहाँ से, राइट, तो मैं फ्रॉम इक्वेशन 1 और 2 से क्या करती हूँ, फ्रॉम 1 और 2 मैंने क्या करा ना, मैंने यहाँ से वाई का वैल्यू यहाँ पुट कर दिया, जेड इक्वल्स टू एम, वाई का वैल्यू लिख दिया बेटा मैंने,
के एक्स, राइट। तो जेड इक्वल्स टू एम इंटू के एक्स, एम इंटू के, जब मेरे पास में के नेचुरल नंबर था, एम नेचुरल नंबर था, तो एम के भी कैसा होगा, नेचुरल नंबर, दोनों का मल्टीप्लिकेशन भी कैसा होगा, नेचुरल नंबर होगा। तो इसका मतलब जेड अपॉन एक्स इक्वल्स टू एम के आया, जो कि एक नेचुरल नंबर है मेरे पास में आया। तो यहाँ से हम बोल सकते हैं कि भाई उस रिश्ते में एक्स कॉमा जेड भी होगा, उस रिश्ते में एक्स कॉमा जेड भी उस रिश्ते में होगा, है ना। ये हमने प्रूव कर दिया, मतलब हम लेकर के चले बेटा एक्स कॉमा वाई उस रिश्ते में है, एक्स कॉमा वाई उस रिश्ते में है, वाई कॉमा जेड भी उस रिश्ते में है, है ना, हमने ये कहा। और उससे हमने सॉल्व करके निकाल दिया कि भाई एक्स कॉमा जेड भी उस रिश्ते में होगा, है ना। वापस से बता रही हूँ कि हमने कैसे करा कि वाई एक्स डिवाइड्स वाई, एक्स वाई को डिवाइड कर रहा है, एक नेचुरल नंबर आएगा, यहाँ से एक इक्वेशन आई, और वाई जेड को डिवाइड कर रहा है उससे एक इक्वेशन आएगी, है ना। अब हमें रिश्ता बनाना है एक्स और जेड में, तो वाई को हटाएंगे हम लोग, तो वाई को एलिमिनेट कर दिया हमने वन और टू इक्वेशन से, और उससे हमने प्रूव कर दिया कि भाई जब आपके पास में एक्स जेड को डिवाइड करेगा तो वो भी एक नेचुरल नंबर आएगा, राइट, है ना। हमने ये प्रूव कर दिया कि एक्स कॉमा जेड भी उस रिश्ते में होगा, इसका मतलब इट इज ट्रांजिटिव रिलेशन। ओके, क्लियर, ठीक है, है ना। तो ये ट्रांजिटिव रिलेशन की कहानी खत्म हुई हमारी, है ना। हमें ऐसे देखना पड़ेगा ट्रांजिटिव रिलेशन को कि होता क्या है ट्रांजिटिव रिलेशन। एक और ट्रांजिटिव रिलेशन का क्वेश्चन ले लेते हैं हम लोग, पढ़ रहे हैं तो, है ना, एक और ले लेते हैं ऐसे ही। क्या बोल रहा है कि ऑन द सेट एन, नेचुरल नंबर में बोल रहा है रिलेशन आर डिफाइंड बाय एक्स आर वाई, एक्स इज लेस देन वाई इज ट्रांजिटिव। ये तो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, एक्स वाई से छोटा है, है ना, ठीक है। हमने बोल दिया यहाँ पे कि एक्स वाई जेड नेचुरल नंबर है और रिश्ता बोल रहा है एक्स कॉमा वाई उस रिश्ते में है, और वो क्या बोल रहा है कि x इज लेस देन y है। दिस इज इक्वेशन वन, x y से छोटा, लेस देन बोला है, मैंने ग्रेटर देन बना दिया, ठीक है, कर देते हैं हम लोग सही, है ना, x इज लेस देन y बोला है तो मैंने ये बना दिया, रुकिए, दिस इज इक्वेशन नंबर वन, x इज लेस देन y, ओके, है ना। तो भी x कॉमा y उस रिश्ते में है, तो हमने बोला नेक्स्ट कि भी y कॉमा z भी उस रिश्ते में होना चाहिए ट्रांजिटिव के लिए। इसका मतलब कि हमने बोला कि y इज लेस देन z है, सेकंड इक्वेशन। अब x y से छोटा है, y z से छोटा है, इसका मतलब x तो z से छोटा होगा ही, है ना। तो फ्रॉम वन एंड टू x विल बी लेस देन z होगा, राइट। तो वी कैन से कि वो x कॉमा z भी उस रिलेशन में होगा, राइट। तो वैन, तो हम ये कह सकते हैं कि एक्स वाई अगर उस रिलेशन में है एंड वाई जेड भी उस रिलेशन में है, तो इट इम्प्लाइज कि एक्स कॉमा जेड भी उस रिलेशन में है, है ना, तो इट इज ट्रांजिटिव। ओके, क्लियर। तो ट्रांजिटिव का मीनिंग क्या हुआ, ए बी उसमें है, बी सी उसमें है, तो ए सी को भी उसमें होना पड़ेगा। ओके, पिंटू इज ए ब्रदर ऑफ चिंटू, चिंटू इज ए ब्रदर ऑफ मोंटू, तो इसका मतलब ऑब्वियस है कि पिंटू मोंटू का ब्रदर होगा, है ना, ठीक है। तो ये क्या हो गया हमारे पास में, ट्रांजिटिव रिलेशन, ठीक है बेटा। तो आज हमने क्या क्या पढ़ा ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, क्योंकि हमारे नेक्स्ट क्लास में इसी से आएगा। हमने आइडेंटिटी रिलेशन पढ़ा, खुद का खुद से रिश्ता, हमने रिफ्लेक्सिव रिलेशन पढ़ा कि खुद का खुद से तो है पर दूसरे भी आ सकते हैं, पर फर्स्ट कंडीशन इज खुद का खुद से होना चाहिए रिश्ता। फिर सिमेट्रिक, कि अगर ए बी से रिलेटेड है तो इसका मतलब उस सेट के उस रिलेशन में बी को भी ए से रिलेटेड होना पड़ेगा, तभी वो सिमेट्रिक है। और फिर होता है ट्रांजिटिव, यानी ए अगर बी से रिलेटेड है, बी सी से रिलेटेड है, इसका मतलब ए को सी से रिलेटेड होना पड़ेगा, ये ट्रांजिटिव रिलेशन। और जब ये सारी कंडीशन हो जाएगी, यानी रिलेशन रिफ्लेक्सिव हो गया, सिमेट्रिक हो गया, ट्रांजिटिव हो गया, तो उसको बोलते हैं हम इक्विवेलेंट रिलेशन, जिसको कि हम नेक्स्ट क्लास में करने वाले हैं।
ठीक है बेटा, तो नेक्स्ट क्लास में आप इन सबको क्लियर करके रखिए, नेक्स्ट क्लास में हम करेंगे इक्विवेलेंस रिलेशन के बारे में। चलिए ऑल द बेस्ट, पढ़ते रहिए, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, ठीक है।